हेलो दोस्तों, नमस्ते। जय श्री किचन किंग में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ ओल का बड़ी, इसे ओल का कोफ्ता भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आधा केजी ओल ले ली हूँ। ये देखिए छिलका लगा हुआ है, तो इसे मैं पहले से छिल कर काट कर रखी हूँ। इसे मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं काट कर अच्छे से रख दी हूँ। आप जिस आकार में इसे काटना चाहें उस आकार में काट ले और इसे पानी डालकर इसे अच्छे से धो ले ओल को। तो ये देखिए ओल धोने के बाद एक कुकर ले लीजिए और कुकर में सभी ओल को पानी से निकाल कर डालिए और थोड़ा सा कुकर में पानी डाल दीजिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है, बस थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इसमें और इसे सेट कर दीजिए और इसे सीटी लगाइए, 3 से 4 सीटी, चाहे 2 सीटी में भी गल जाएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ 2 सीटी लगा दी हूँ। इसे ठंडा कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए खोल कर दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब इसे ध्यान से निकाल लीजिए एक बॉल में। ये देखिए सभी ओल को एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद क्या हुआ, हाथ से भी आप मिला सकते हैं। तो मैं इसे करछुल से इसे मिला लेती हूँ, चाहे कोई चम्मच से इसे आप मिला लीजिए। तब मैं इसमें बेसन डालूँगी। तो चलिए, अभी बहुत गर्म है तो मैं एक करछुल से इसे मिलाती हूँ। गर्म है इसीलिए ये आसानी से मिल जाएगा, ठंडा होने के बाद ये क्या होता है, गुठली टाइप का बन जाता है। इसीलिए गर्म ओल को ही मिलाना है। अब मैं इसमें बेसन डालूंगी। तो 4 चम्मच मैं बेसन डाली हूँ। इसे मिला के चेक कर लेती हूँ, अगर बेसन और लगेगा तो मैं और डालूंगी। तो अब मैं इसमें नमक डाल दी हूँ स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाली हूँ और ये जीरा मसाला है पाउडर, ये लाल मिर्च मसाला। अब मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अगर ओल थोड़ा ज़्यादा गीला है तो इसमें और थोड़ा सा बेसन लग जाएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा बेसन इसमें और डालूंगी, तो 1 चम्मच में भरकर और डाली हूँ और इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। तो चलिए मैं इधर प्याज दिखाती हूँ, मसाला ओल के बड़ी का मसाला। मैं ये देखिए कटे हुए प्याज ली हूँ 2, ये मिर्ची लहसुन, ये प्याज में मैं डाल देती हूँ मिर्ची लहसुन, इसका पेस्ट बना लेती हूँ। ये टमाटर अभी मैं नहीं डालूँगी, बाद में डालूँगी। ये देखिए इन सभी को मैं पेस्ट बना ली हूँ, मिर्ची लहसुन और प्याज को मैं पेस्ट अच्छे से बना ली हूँ। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया, मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो बड़ी छाँकने के बाद मैं इतना तेल नहीं डालूँगी, सब्जी में निकाल लूँगी। तो ये देखिए इस तरह मैं बड़ी निकाल रही हूँ, तेल में डाल रही हूँ। इसे ध्यान से उलटना है, टूटे नहीं इसीलिए ध्यान से इसे उलट देना है। तो इसी तरह उलट पलट कर इसे पका लेना है ओल की बड़ी को।
ये देखिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरह सभी बड़ी मैं निकाल लूंगी छाक कर। अब कढ़ाई मैं धोकर तेल निकाल दी थी और उसका जला हुआ जो है वो फेंक दी थी। अब मैं धोकर कढ़ाई गरम कर ली हूँ, फिर वही तेल डाली हूँ और इसमें मैं जीरा का फोरन डाली हूँ, तेजपत्ता डाली हूँ। अब ये पक जाने के बाद प्याज लहसुन मिर्ची का जो पेस्ट तैयार की थी वो मैं इसमें डालूँगी। तो ये देखिए प्याज वाला मसाला को मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालिए ताकि ग्रेवी में नहीं डालना पड़े। तो मैं इसी में नमक और हल्दी डाल दी हूँ प्याज में, लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और इन सभी को मिला देती हूँ अच्छे से। ये देखिए तेल थोड़ा और लगेगा, तो यही जला हुआ तेल मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसे फिर से चलाऊंगी, थोड़ी देर से भून लेती हूँ। अब ये भून जाने के बाद कटे हुए टमाटर जो है वो मैं इसमें डालूंगी। तो ये देखिए कटे हुए टमाटर मैं डालकर इसे फिर अच्छे से चलाऊंगी। अब इसमें मैं जीरा पाउडर डाली हूँ और ये एक चम्मच धनिया के पाउडर, और ये किचन किंग मसाला है इसे मैं एक चम्मच डालूंगी। इससे स्वाद बहुत अच्छा लगता है ग्रेवी का। थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और मैं इसे अच्छे से चला रही हूँ। तो ये देखिए पानी डालकर मैं थोड़ा सा इसे फ्राई कर ली हूँ अच्छे से, ताकि कढ़ाई में चिपके नहीं मसाला, इसीलिए थोड़ा सा मैं पानी डाली थी। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ। ये देखिए इलायची, लौंग, 4-5 इलायची ली हूँ, लौंग ली हूँ 5-6, इसे कूट ली हूँ अच्छे से और इस मसाला में डाल रही हूँ। और थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, अच्छे से इसे मिला लेती हूँ। अब फिर इस ग्रेवी को थोड़ी देर चलाना है। तो ये देखिए पानी भी सोख लिया है और ग्रेवी बहुत अच्छे से भूनकर तैयार है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें ये बड़ी जो है वो डालूंगी और फिर मैं इसे ध्यान से चला रही हूँ और थोड़ी देर इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए थोड़ी देर फ्राई हो गया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी मैं अभी ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि मैं इस ग्रेवी में बड़ी को अच्छे से सॉफ्ट करूंगी। देखिए अब सभी चीज को मैं अच्छे से मिला लेती हूँ और इसे थोड़ी देर ढक दूंगी और इसे ढककर पकाना है ताकि ये बड़ी जो है सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए कितने अच्छे से सब्जी उबल रहे हैं, बड़ी भी सॉफ्ट हो गया है। मैं चेक करके देखती हूँ। हाँ देखिए कितने सॉफ्ट हो गए बड़ी,
अब ये जो रस है इसका ग्रेवी था ज़्यादा है तो इसे मैं थोड़ा सा और सुखा लेती हूँ। गैस बंद कर लेती हूँ। अब ये देखिए मैं एक बॉल में निकाल रही हूँ सब्जी। ये इसे आप कोफ्ता भी बोल सकते हैं या ओल के बड़ी भी बोल सकते हैं। ये देखिए बॉल में मैं निकाल रही हूँ। तो लीजिए बनकर तैयार है ओल का कोफ्ता। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल जय श्री किचन क्विक को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।